वेलकम बैक कैसे हो आप सब लोग आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी गुड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूजफुल होम एंड किचन हैक्स आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा अगर वीडियो तो अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ अ थम्स अप पुट कमेंट इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड प्लीज आल्सो प्रेस द बिलो ऑल्सो प्रेसो बेलोट सुन एज आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू रिसीव द नोटिफिकेशन एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज इंडियन ब्लॉगर सुतपा सिंह सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो हमारा पहला किचन टिप्स सारे टमेटोज़ को अच्छे से वॉश करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और एक स्मूथ प्यूरी बना लीजिए चाहे हम वर्किंग लेडीज़ हो या फिर होम मेकर घर का काम तो सबको करना पड़ता है और सुबह सुबह बहुत हर रहती है और जब ये छोटे छोटे निक नैक चीज़ हमारे हाथ के सामने रेडी मिल जाए तो खाना बनाने में बहुत ही ईजी हो जाती है सारे टोमेटो प्यूरीज को इस तरीके का सिलिकॉन मोल्ड में प्लेस कीजिए और फ्रीजर में स्टोर कीजिए अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ कीजिए सेकेंड किचन टिप्स खाना बनाने के लिए हम सभी ऑयल यूज़ करते हैं चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो ऑलिव ऑयल हो या फिर रिफाइंड ऑयल हो लेकिन आप जब प्रॉपर मेजर करके ऑयल को यूज़ करेंगे तब खाना हेल्दी भी बनेगा और ज़्यादा ऑयल वेस्टेज भी नहीं होगी थर्ड टिप्स जब भी हम दूध को बॉईल करते हैं तो इस तरीके का स्पून या फिर उड इन को बर्तन के ऊपर रखने से दूध उबल के बाहर नहीं आती कभी कभी क्या होता है ना दूध उबालते वक्त दूध ओवरफ्लो होकर बाहर निकल आती है और हमारा काम एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि गैस को फिर से साफ करना पड़ता है तो ये जो टिप्स है बहुत ही यूज़फुल है फोर्थ टिप्स सारे गार्लिक क्लोव्स को अलग अलग कर लीजिए और इसे टेन मिनट्स के लिए गर्म पानी में छोड़ दीजिए और देखिए कितना आसानी से हम इसे पील कर सकते हैं जब भी आप फ्री रहे इसी तरीके से बहुत ही आसानी से इकट्ठा बहुत सारे गार्लिक को अच्छे से पील करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं जिससे आपका डेली लाइफ काफी आसान हो जाएगी फिफ्थ किचन टिप्स जब हम खाना बनाते हैं दाल या राइस तब कभी कभी हम ज़्यादा निकाल लेते हैं तो अगर प्रॉपर मेजरमेंट करके हम खाना बनाएंगे तो खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा मेजरमेंट करने के लिए आप रेगुलर कप या ग्लास की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके का मेजरमेंट स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का स्पून आपको कोई भी ऑनलाइन साइट में या फिर डी या कोई भी शॉपिंग मॉल में आसानी से मिल जाएगी सिक्स होम हैक्स स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए हम नील पॉलिश रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं देखिए कितने आसानी से सारे गंदे क्लीन हो गए और ये जो स्विच बोर्ड है चमक रहा है कभी कभी हमें स्मार्ट किचन टूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारा काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है इस तरीके का किचन टूल्स हर एक के घर में होने चाहिए जिससे हम बहुत ही आसानी से ऑनियन गार्लिक ग्रीन चिली टमाटर जिंजर बहुत ही आसानी से फाइनली चॉप्ड कर सकते हैं एट होम हैक्स डस्टिंग करने के लिए आप इस तरीके का हैंड ग्लव्स डस्टर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा और घर भी चमक जाएगा नाइन्थ टिप धनिया और जीरा पाउडर को डायरेक्टली ख़रीदने के बजाय अगर आप इस तरीके से ड्राई रोस्ट करके इसका पाउडर बनाएंगे और स्टोर करेंगे तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है और ख़राब भी नहीं होती है टेंथ किचन टिप्स आप जब भी फ्री रहे इस तरीके से सारे वेजिटेबल को चॉप करके फ्रीजर में या फिर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं जो कि बहुत ही टाइम सेविंग है एक दिन का मेहनत लेकिन पाँच दिन का आराम वेजिटेबल स्टोर करने के लिए इस तरीके का यूज जीप लॉक बैग को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके का एयरटाइट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों का स्कूल हस्बैंड का ऑफिस हमारा लाइफ कितना बिजी रहता है सुबह उठ के नाश्ता बनाना लंच बनाना सुबह सुबह वेजिटेबल चॉपिंग करने में काफ़ी सारे वक्त निकाल जाती हैं अगर इस तरीके से आप भी वेजिटेबल चॉप करके फ्रिज में स्टोर करेंगे तो मेरी तरह आपकी जो डेली रूटीन है काफ़ी आसान हो जाएगी गैस बर्नर को क्लीन करने के लिए आप लेमन इनो या फिर सोडा वार्म वाटर और डिश वॉशर जो लिक्विड आती है उसे यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी में थोड़ा सा इनो डालिए डिश वॉशर लिक्विड और लेमन ऐड कीजिए और इस बर्नर को इसमें दो से तीन घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए दो घंटे बाद इसे कोई भी स्क्रबर से अच्छे से रब कीजिए और क्लीन कर लीजिए देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया ट्वेल्थ टिप्स आपके पास जो भी पुराना क्लॉथ है जिसे आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं उसे इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और इसे फोल्ड करके किसी ऑर्गेनाइज़र में स्टोर करके रखिए और जब भी ज़रूरत पड़े गैस में पड़े हुए ऑयल या फिर चिमनी क्लीन करने के लिए इसे यूज़ कीजिए और थ्रो कीजिए आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा मिलती हूँ आपसे अनदर वन इंटरेस्टिंग डी या फिर मेक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर